हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप घर के अंदर या फिर अपने ऑफिस में या कहीं पे भी एक्वेरियम रखने के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो मैं बता दूँ कि बहुत से लोग एक्वेरियम रखना पसंद करते हैं अपने घर में, उनको बहुत सारी फिशेस रखनी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उन्हें नॉलेज ना होने के कारण, उन्हें ये पता नहीं होने के कारण कि उन्हें किस तरह से रखते हैं, उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, उनको खाना क्या देते हैं, उनके एक्वेरियम में किस तरह का फ़िल्टर लगाते हैं, एक्वेरियम कितना बड़ा होना चाहिए, कौन सी फिशेस को कौन सा फ़िल्टर लगेगा, कौन सी फिशेस को किस तरह से हमें हैंडल करना है, तो आज उसी टॉपिक पर बात करेंगे। आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे और प्लीज़ प्लीज़ यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन दबा दो प्लीज। हम बात करेंगे पाको फिश। पाको फिश एक ऐसी फिश है जो आप एक्वेरियम में लेके आके रख लेते हो, आप मार्केट से लेके आते हो, छोटी लेके आते हो, चार पाँच छः एक साथ ला के रख देते हो। फिर होता क्या है कि वो धीरे 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 ग्रोथ उसकी फास्ट होती है, जल्दी से बड़ी हो जाती है। मतलब अगर आपने एक साल रखा तो अच्छी खासी इसकी साइज़ 1.5 फीट तक, एक साल में वो 1 फीट के क्रॉस हो जाती है, 1 फीट अपना जो है अपना साइज़ बढ़ा लेती है। पाको के बारे में जानेंगे। पाको एक ऐसी फिश है जो छोटे एक्वेरियम में तो आप बिल्कुल नहीं रखे उसको। ये देखिए, जैसे कि मैंने ये पाको रखा है, मेरा एक्वेरियम 4 फीट का है और मैं इसे जब लाया था ये करीब करीब 1 या 2 इंच की छोटी सी थी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये पाको फिश के बारे में, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप पाको फिश रखना चाहते हो तो आपका एक्वेरियम कम से कम 250 लीटर का होना चाहिए। उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो फिश है जब वो ग्रोथ करेगी तो उसे स्विमिंग करने में तकलीफ़ नहीं होगी, उसे एक्वेरियम में सर्वाइव करने में तकलीफ़ नहीं होगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटा सा एक्वेरियम होता है उनका और उसमें बहुत सारी फिशेज ला के रख देते हैं, जैसे कि 2 फीट का एक्वेरियम हो गया, 1.5 फीट का हो गया या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 फीट का, 2 फीट का। तो वो तब तक तो ठीक है जब तक वो छोटी है, लेकिन ये पाको ऐसी फिश है जिसकी ग्रोथ बहुत फास्ट है। अगर आप देखोगे लाके आप अपने एक्वेरियम में ये फिश लाके रखते हो पाको, तो ये जल्दी जल्दी बड़ी होती है। 1 महीने में कुछ दिखेगी, फिर 2 महीने में थोड़ी और बड़ी दिखेगी, ऐसे ऐसे करके 1 साल के अंदर अंदर वो इतनी बड़ी हो जाती है कि जिस एक्वेरियम में आपने रखा है अगर वो छोटा है तो आपको खुद दिखेगा कि उसको मूव करने में, उसको स्विम करने में तकलीफ़ हो रही है। तो उसमें क्या होता है, फिर आपकी जो फिश है बीमार हो जाती है, वो वापस से ग्रोथ नहीं, अपनी जो एक्चुअल ग्रोथ है वो नहीं कर पाती। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप पाको फिश लाएंगे घर के अंदर तो उससे आप बड़ा एक्वेरियम दीजिए, कम से कम 200 लीटर का हो जिसमें 200 लीटर पानी आ जाए और काफ़ी जगह हो उसके अंदर। करते हैं फिल्टर की बात। अब फिल्ट्रेशन जो है इसका एक्वेरियम का दिल होता है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप सैंड लगा दीजिए, आप प्लांट लगा दिए, आर्टिफिशियल प्लांट लगा दिए, ड्रिफ्ट डाल दीजिए, सब कुछ डाल दीजिए, बहुत खर्चा कर दीजिए। अगर आपने फिल्टर पे खर्चा नहीं किया है तो आपका सारा खर्चा बेकार है। आपने कितना भी खर्चा कर दिया हो एक्वेरियम के ऊपर, कितने भी डेकोरेशन कर दिए हो, आपका सारा पैसा बेकार हो जाएगा अगर आपने फिल्ट्रेशन पर खर्चा नहीं किया है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको बड़ी फिशेस रखना अच्छा लगता है तो आपको फिल्ट्रेशन पे ध्यान देना पड़ा। आपने अगर पाको फिश ला के रखी हुई है, आपने 1 या 2, अभी ये जो मेरी पाको फिश है ये करीब 1.5 फीट की है, तो जब मैं इसको लाया था ये बहुत छोटी थी, तो ये करीब करीब 1.5 साल की है। ये 1.5 साल में इसने ग्रोथ, अच्छा फास्ट ग्रोथ है इसकी, बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो पहले में जो मेरा एक्वेरियम था वो मैंने 2 फीट से स्टार्ट किया था, करीब 100 लीटर पानी आता था उसके अंदर, तो मैंने वो 2 फीट से स्टार्ट किया था। बाद में मैंने देखा ये जो मेरी फिशेज है बहुत ग्रोथ कर रही है, हर 2 महीने 3 महीने में मुझे उसकी ग्रोथ फास्ट होती दिखी,
तो मेरे दिमाग में ये आया कि अगर ये अगर बड़ी हो रही है तो मुझे एक्वेरियम भी बड़ा करना चाहिए। तो फिर मैंने 3 फीट का एक्वेरियम लिया, तो 3 फीट में वो थोड़े दिन तक सर्वाइव की, उसने बहुत अच्छे से मूवमेंट वगैरह सब अच्छा हुआ। फिर देखा, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि और भी बड़ी हो रही है, तो मैंने अभी फाइनली ये 4 फीट का एक्वेरियम लगाया है मैंने, जिसमें 2500 लीटर पानी आ जाता है। और इसमें भी मेरी फिश बहुत, आप देख सकते हो, हेल्दी है, अच्छा मूवमेंट भी है इसका। तो वजह यही है कि अगर लोग घर के अंदर एक्वेरियम बड़ा रखते हैं तो उन्हें बड़ी फिशेस रखना अच्छा लगता है, ख़ास करके ये पाको, क्योंकि पाको फिशेस जो है उनका मूवमेंट जो है बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए लोग अपने शॉप में, घर में, या जिनके पास बड़ी जगह है वो बड़े एक्वेरियम बना के इसे रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को फिल्ट्रेशन का इतना नहीं नॉलेज है, रख तो लेते हैं उसमें टॉप फिल्टर की जगह, अभी मैंने कैसे टॉप फिल्टर लगाया हुआ है, लेकिन इसको टॉप फिल्टर भी इनफ नहीं है, क्योंकि अभी इसकी ग्रोथ बढ़ रही है, अभी ग्रोथ फास्ट है, तो अभी और ये और मेरे ख्याल से 10 या 15% और बड़ी हो जाएगी। तो मैंने फ़िलहाल के लिए एक टॉप फिल्टर लगाया है, लेकिन अगर इसकी ग्रोथ और होती है तो मुझे ये फ़िल्टर की जगह कैनिस्टर फिल्टर भी लगाना पड़ सकता है। वो भी डिपेंड करता है, मैं देखूँगा, अगर इसमें सर्वाइव कर लेती है और मेरे पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मेरे एक्वेरियम में फिशेस बहुत कम है। तो मैं ये आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप ये पाको घर में या कहीं पे भी ये बड़े एक्वेरियम में अगर आप रखना चाहते हो या आपने रखा है, तो प्लीज़ फिल्ट्रेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। फिल्ट्रेशन आपको अगर लगाना है तो या तो कैनिस्टर फिल्टर लगाए या तो सम्प फिल्टर लगाए, और अगर आपने टॉप फिल्टर लगाया भी है तो जो बड़े साइज़ का टॉप फिल्टर आता है, अभी जैसे ये मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है, ये मैंने जो फ़िल्टर बिठाया है ये 3 फीट के 2 फीट के एक्वेरियम में लगता है, तो फ़िलहाल मैंने इसमें 2 लगाया हुआ है, तो ये मेरा काम चल रहा है, फ़िलहाल तो चल रहा है, लेकिन मुझे भी बाद में इसको चेंज करके कैनिस्टर फिल्टर लगाना पड़ेगा। 4 फीट के हिसाब से मुझे कैनिस्टर फिल्टर लगाना पड़ेगा। मेरी फ़िश अभी जो है, देख सकते हो आप, मेरे पास फिश, मेरा एंटी है पूरा, एक्वेरियम खाली है, 2 कैटफिश है, रेड टेल कैटफिश है, ये भी काफ़ी हेल्दी है, आप देख सकते हो। मैंने बहुत महंगा फूड या बहुत ये नहीं देता हूँ, नॉर्मल फूड खिलाता हूँ, क्योंकि ये जो पाको होती है ये कुछ भी खा लेती है, मतलब आप अगर इसको ड्राई फ्रूट खिलाओगे खा लेगी, इसको एप्पल दोगे खा लेगी, इसको आप कुछ भी वेजिटेबल दोगे खा लेगी, आप इसको कोई भी सस्ता वाला भी फूड दोगे तो खा लेगी। लेकिन अगर आप कोई सस्ता वाला फूड अगर इसे खिलाते हो तो भी फिल्ट्रेशन पर ध्यान आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इसकी ग्रोथ जितनी होती है, ये जितना खाना खाती है उतना ही ये पानी ख़राब करती है। तो इसको अगर रखना है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर जो इसकी जो खराबियां हैं, मतलब बहुत से लोग इसे नहीं रखना पसंद नहीं करते, तो वो आप कैसे हैंडल करोगे। ये फिश ऐसी है, बहुत जल्दी घबरा जाती है, मतलब अगर अब मैंने इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने टैंक साफ़ करने के लिए अंदर हाथ डाला या फिर क्लीन करने के लिए कुछ भी चीज़ है, फिल्टर लगाया या कुछ किया, तो डर जाती है, घबरा जाती है, इधर उधर भागती है, एक कॉर्नर में आके खड़ी हो जाती है। तो ये जो है ऐसे तो बहुत शांत है, लेकिन अगर आप को इसे नॉनवेज खिलाने की आदत है, अगर आप इसे रोज़ चिकन डाल रहे हो, अपना कोई भी नॉनवेज आइटम प्रॉन्स खिला रहे हो, तो ये बहुत एग्रेसिव हो जाएगी। एग्रेसिव मीन्स ये ऐसी एग्रेसिव नहीं हो जाएगी कि कांच तोड़ दे या फिर उथल पुथल कर दे, लेकिन एग्रेसिव इस तरह से हो जाएगी कि अगर आप इसके साथ कोई दूसरी फिशेज रखोगे और इसको अगर टाइम पे फीडिंग नहीं मिली तो आपकी वो दूसरे फिशेज को काट सकती है, खा सकती है। तो ध्यान रखें कि अगर आप इसे रखते हो घर में, तो जितना हो सके आप जो बाज़ार में जो फूड मिलते हैं इसके, जैसे कि पैलेट्स हो गया, पैलेट्स दे सकते हो आप, कोई भी नॉर्मल दूसरे पैलेट्स हो गए, बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, वो दे सकते हो। अगर आप बाहर का फूड नहीं खिलाना चाहते हो, घर के अंदर का खिलाना चाहते हो, तो आप वेजिटेबल में आप इसको मटर के दाने दे सकते हो, इसको आप कलिंगड़ अगर मिलता है, कलिंगड़ खाती है बहुत शौक से, कलिंगड़ दे सकते हो, और भी बहुत सारे सब्जियाँ है जो आप दे सकते हो, वेजिटेबल ये सभी खा लेती है, और फ्रूट्स भी बहुत सारे जो है ये खा लेती है। तो आप इसको घर में खाने के लिए आप वेजिटेबल दे सकते हो, फ्रूट दे सकते हो, लेकिन आपको फिल्ट्रेशन का ध्यान देना है, क्योंकि अगर वो आप उसको खिला रहे हो तो ये अपने साइज़ के हिसाब से खाती है। आप सोचोगे कि एक थोड़ा सा खिला दूँ तो नहीं चलेगा,
आपको इसको फीडिंग अच्छी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसका पेट नहीं भरा होता है, अगर ये भूखी रहती है तो दूसरे फिशेस पे अटैक करती है। एक बार मैंने देखा था, ये जो मेरी रेडटेल कैटफिश है, तो मैंने इसको शायद मैंने दिन में एक टाइम फीडिंग दी थी और रात को मैं शाम को देना भूल गया था, तो मैंने देखा कि वो इसके ऊपर अटैक कर रही है, उसके उसे मैं एक दो जगह पर उसको बाइट किया हुआ। तो मैंने तो दिन से मैं समझ गया कि इसको अगर फीडिंग प्रॉपर नहीं मिलती है तो ये दूसरे फिशेस पे अटैक करती है। तो आपको बस ध्यान देना है कि इसको फीडिंग बराबर मिले, इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम अच्छा हो, कैनिस्टर फिल्टर लगाए, सम फिल्टर लगाए। ये मैंने टर्टल रखा हुआ है घर के अंदर, ये देखिए ये भी थोड़ा सा एग्रेसिव है, ये देखिए वो बाइट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आपको टर्टल रखना है, पाको या रेडटेल कैटफिश या और कोई भी फिशेज रखना है, तो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी फिशेज रखना चाहिए, कितना बड़ा टैंक होना चाहिए, कौन सा फिल्टर लगाना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, अगर आपको कुछ और नॉलेज चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करूँगा। और चलते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।